गाइस तो माइनक्राफ्ट के अंदर मैंने भाई एक बेस्ट आर्मर तो बना के रखा है भाई। उस आर्मर से मैं कोई भी बायोम के अंदर कभी भी नहीं मर सकता, लेकिन भाई मेरे पास माइनक्राफ्ट के अंदर कोई भी एक भी बेस्ट वाली शॉट नहीं है। इसलिए भाई मैं मॉब को मारता हूँ तो भाई बहुत ही देर लग जाती है, वॉर्डन एंडर ड्रैगन ऐसे को मारने में। भाई देखो ये इसके अंदर क्या ही एंटेनमेंट, शार्पनेस लूथिंग 3 और भाई फायर एक्सपेक्ट 2 की एंटेनमेंट लगी हुई है भाई। तो इस वाले एंटेनमेंट से मारने में भाई मज़े नहीं आते, इसलिए भाई आज मैं बनाने वाला एक गॉड थ्रेड, जिसको बनाने के लिए मेरे को चाहिए कि भाई बहुत सारे एंटेनमेंट बुक, जिसको मैं कलेक्ट करने वाला भाई अपने एंटेनमेंट टेबल से भाई एक्सपी से एंचाइज कर करके बुक को। भाई बहुत ही मेहनत लगने वाली है, लेकिन भाई आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो भाई वीडियो का अंत तक बहुत ज़रूर से करना। चलिए शुरू करते हैं गाइस। एंचाइनमेंट टेबल के ऊपर अपन लोग भाई बुक एंचाइज करके देखते हैं भाई अपने को क्या क्या एंचाइनमेंट मिलती है। देखते हैं भाई, भगवान करे कोई अच्छी वाली मिल जाए भाई। पंच टू मिली है भाई, पंच टू तो भाई बो के लिए काम आ जाएंगी, अगर कोई और एंचाइनमेंट नहीं है। चलो भाई देखते हैं भाई, आई थिंक मेरे बो के अंदर भाई पंच टू है एंड भाई है भाई सच में पंच टू भाई। वो तो मेरी भाई पीवीपी के लिए भाई बेस्ट वाली एफिशिएंसी मिली है अपने को भाई। एफिशिएंसी कुछ काम की है नहीं अपने को भाई, कि अपनी नेदरराइट की भाई जो पिकेस है वो भी तगड़ी है। शार्पनेस 3 मिल गई भाई, बहुत ही काम की बुक मिली है। चलो भाई मजे आने वाले भाई। ये प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन तो भाई मजे नहीं यार, नॉकबैक 2 मिली है। चलो इसमें भाई बढ़िया मजे आ गए भाई, अपन कुछ और एंचाइनमेंट करेंगे। लेकिन भाई अपन लोग पहले एनविल से ये शार्पनेस एंड भाई ये वाली शार्पनेस को मिक्स करके भाई शार्पनेस 4 कर दिया एंड भाई नॉकबैक 2 भी अपने को मिल चुकी है। एफिशिएंसी एंड भाई इसके अंदर कुछ बढ़िया नहीं है भाई, इसके अंदर ही एक नॉकबैक की बढ़िया एंड भाई शार्पनेस की बढ़िया है, तो मजे आने वाले। प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन लैपिस लजूरी लगा देता हूँ भाई, लैपिस लजूरी लगाना भूल के मैं ऐसे एक्सपी लेने के लिए चला जाता अभी भाई। लैपिस लजूरी प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन भाई नहीं थी यार, इसका पूरा आर्मर का आर्मर पड़ा हुआ भाई। वापस आपने स्त्री मिल गई भाई, भाई फायर एक्सपेक्ट 1 भाई। चलो एक ही मिली है भाई, एक और फायर एक्सपेक्ट मिल जाएगा, दोनों का टेस्ट करके भाई 2 कर देगा फायर एक्सपेक्ट के भाई, बढ़िया रहेगा भाई। ये वाली पता नहीं कौन सी एफिशिएंसी है भाई, ये वाली ले लेते भाई। रिपडाइट 3 मिला भाई, ट्राइडेंट वाला फायर प्रोटेक्शन फ्लेम अनब्रेकिंग भाई, इसके अंदर तगड़ी है भाई एंटेनमेंट। फ्लेम की मिल गई, अनब्रेकिंग की मिल गई भाई, लेकिन शॉर्ट के लिए कोई नहीं है एंड भाई शार्पनेस मिल गई है 4 भाई। शार्पनेस 4 को क्या करूँ, मेरे पास है एक ऑलरेडी यार। लूटिंग 3 मिली है अपने को, एक प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग भाई अपने चेस्ट प्लेट के अंदर काम आ सकती है भाई। भाई जल्दी से यार अपनी सारी की सारी किताबें इकट्ठा करते हैं भाई, थोड़ा वीडियो स्पीड कर दो भाई यहाँ पे एडिटर बाबू। गाइस सालों की मेहनत के बाद भाई, हजारों किताबों बिगाड़ने के बाद भाई मेरे को मिल चुके सारी की सारी किताब। देखो भाई लूटिंग 3 एंड भाई 25 को एंटेनमेंट कॉस्ट मांग रही है भाई यार पर। लेकिन मेरे भाई शार्पनेस 2 की, शार्पनेस की मिल चुकी है, फायर एक्सपेक्ट 2 भी मिल चुकी है, लूटिंग 3 भी मिल चुके हैं, लेकिन भाई 25 एंटेनमेंट कॉस्ट मांग रही है, जिसके लिए भाई मेरे को अपनी एक्सपी जाइंटर के ऊपर आके भाई चालू करना पड़ेगा बटन एंड भाई यहाँ से बटन चालू हो जाए भाई। एंड भाई ये चीज़ मैंने भाई पूरी सर्वाइवल के अंदर बनाई, खाली इसके अंदर जो एक्सपी के बोतल है भाई वो मैंने करी हुई थी उसे लिए भाई। चलो हो चुकी 25 एक्सपी भाई, बंद हो जाए भाई, ज़्यादा नहीं बिगाड़नी अपने को, बार बार रह के करी हुई थी हमें, थोड़ी ना जाना है अपना भाई। जल्दी से भाई अपन लोग रॉकेट यूज करते इलाइट्रा से एंड भाई पहुँच चुके हैं अभी भाई, लगा देते हैं अपनी भाई क्या कहते हैं शॉर्ट के अंदर भाई सारी की सारी एंटेनमेंट है। इसका अटैक डैमेज देखते भाई 14+ अटैक डैमेज भाई। लूटिंग 3 के 2 बुक आ गए एंड भाई ये वाली मैंने एक बिगाड़ दी थी जो मैंने कट कर दिया भाई शॉर्ट, क्योंकि उसके अंदर मैंने मैंडिंग डाल दी इसलिए भाई कुछ हुआ नहीं एंड भाई मैंने अनब्रेकिंग का ही फ़र्क रखा है भाई, उसके अंदर ही अनब्रेकिंग ऐड कर सकता था मैं, लेकिन भाई नहीं करी एंड भाई मैंने भाई चैलेंज लेके एकदम ब्रांड न्यू शॉर्ट बनाई एंड भाई शॉर्ट से अपन लोग अभी इवोकर को मार के देखते हैं भाई, देखते कितना भाई ये डैमेज करते हैं भाई, कितने शॉर्ट में इवोकर को मार सकती है भाई। ये वाली शॉर्ट एक शॉट के अंदर तो नहीं मर रहा भाई, वन शॉट छोड़ तो नहीं भाई, इवोकर जैसे हार्ड इंसान को भाई एक शॉट के अंदर नहीं मार पा रही है, लेकिन बंदे को भाई अगर अपने को मारना है तो भाई ये भाई अच्छी है शॉट, इतनी भी ख़राब नहीं है। 2 शॉट भी नहीं है भाई, 2 शॉट के अंदर भी नहीं मर रहा, लेकिन अगर क्रीच मारेंगे अपन 2 शॉट की तो मर जाएंगे आई थिंक एन भाई। ये देखो भाई मर गया भाई एन भाई, ये भी मर जाएगा। देखो भाई बोले 2 शॉट की शॉट भी है और नहीं भी है, कभी कभार मर जाते कभी कभार नहीं भी मरते, इसलिए भाई क्रीच मारा करो भाई तो फायदे में रहोगे। एंड भाई ये इवो करके सोते सोते भाई चिड़िया बहुत मार रहे मेरे को भाई, डैमेज तगड़ा दे रही है ये लोग भाई। किधर ये ऐसे मर गया भाई, ये तो मेरे थॉन से मर गया भाई आर्मर के। एंड भाई मैंने आर्मर भी बनाए थे लास्ट वीडियो के अंदर, तो भाई वो वाला वीडियो आप लोग ने अभी तक नहीं देखा है तो भाई क्या करो यार, जाके देखो भाई।
यहाँ पे आई बटन के ऊपर ऊपर कहीं पे नहीं लगा रहा, लेकिन भाई मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगा भाई। लास्ट में एंड स्क्रीन के ऊपर भी आप लोग को वो वाला वीडियो मिल जाएगा, तो भाई जाके ज़रूर से देखना भाई। पहले ये वो करके बच्चे को मारने दो भाई, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चला गया भाई यहाँ पे। भाई दो दो ये वो कर छुप के बैठे हो यहाँ पे, इनको पहलते भाई मजे आने वाले इनको मारने में। टोटम ही टोटम होने वाले आज तो भाई मेरे पास। भाई एक तो ये लग नहीं रहे भाई शॉर्ट भाई, ये पॉकेट एडिशन का यही है भाई, आयरन गोलम में लपेट लेगा इसको तो भाई। ये क्या हो गया भाई, आयरन गोलम में मार देगा भाई। ये लो भाई टोटम मिल गया अपने को। एक और एक इवोकर किधर गया भाई, लास्ट तो बचा था वो भाई, मर गया वो भी, मर गया वो टोटम वो फंदा यहाँ पे पड़ा हुआ है भाई, मर गया वो भी। एक इवोकर, दो दो इवोकर यहाँ पे भी, इनको मारते भाई। एन भाई ये देखो मैं बता दूँ, टू शॉट शॉट है भाई, दो शॉट ही मारने इवोकर जैसे को भाई, मर जाते हैं यूँ चूतियों के अंदर भाई। उस साइड पे एक और इवोकर है, उसको भी लपेटते अपन लोग भाई दल्ली से ही। इसको तो अपन बहुत सी मार लेंगे भाई। एंड तुम लोग सब्सक्राइब कर लो ये चैनल, मैके दिन से भी अच्छा है।